हेलो दोस्तों, 2022 में अलग अलग तरह की स्टोरी वाले बहुत सारी फिल्में आई। कोई फिल्म फैमिली ड्रामा थी, कोई फिल्म एक्शन वाली थी, कोई फिल्म सोशल कॉमेडी थी। दोस्तों, इन्हीं फिल्मों में से तीन फिल्म को मैंने चुना है। एक है फिल्म झुंड, दूसरा है फिल्म दशमी और तीसरा है रनवे 34। दोस्तों, ये तीनों फिल्में कहीं न कहीं लोगों को इंस्पायर करती है। जैसे पहली फिल्म की बात करें झुंड की, जिसका निर्देशन किए थे नागराज मंजुले और जिसमें मुख्य भूमिका थे महानायक अमिताभ बच्चन। इस फिल्म में भी दिखाया गया कि किस तरह से सलम में रहने वाले नागपुरी बच्चे, यानी नागपुर में रहने वाले कुछ बच्चे टीम बनाकर एक बड़े फुटबॉल खिलाड़ी बनाते हैं अमिताभ बच्चन, वो अच्छी मैच जीतने में कामयाब रहता है। दोस्तों, दूसरी फिल्म की बात मैं करूंगा तो फिल्म है दसवीं। दसवीं फिल्म में कहानी थी हरित प्रदेश के सीएम गंगाराम चौधरी की, जो कि खुद अनपढ़ थे और उनका विचार था कि पढ़ने लिखने वाला आदमी कुछ नहीं करता जिंदगी में। दोस्तों, ये समाज पर एक व्यंग है। लेकिन दोस्तों, जब गंगाराम चौधरी को जेल होती है और जेल में जब उनको पढ़ने की प्रेरणा दिल में उत्पन्न होती है और जब वो पढ़कर खुद से मेहनत कर दसवीं पास करते हैं, तो उन्हें शिक्षा का क्या महत्व है इसका पता चलता है। और जब वो दोबारा इलेक्शन जीतकर अपनी सरकार बनाने लगते हैं, तो वे घोषणा करते हैं कि सभी को मैं फ्री एजुकेशन दूंगा। साथ ही साथ वो मुख्यमंत्री पद नहीं लेकर शिक्षा मंत्री का पद लेते हैं। दोस्तों, इस फिल्म में अभिषेक बच्चन ने बहुत ही शानदार अभिनय किया और उनके अभिनय को देखने के लिए लोग बार बार नेटफ्लिक्स पर आए। दोस्तों, ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और ये 7 अप्रैल को रिलीज हुई थी। दोस्तों, दसवीं फिल्म लोगों को बहुत ही पसंद आई। अब मैं बात करता हूँ रनवे 34 की। जब जेट विमान बहुत ही विषम परिस्थिति में बैड क्लाइमेक्स में फंस जाता है, तो उस समय उस जहाज को नियम कानून को परे रखकर किस तरह से लैंडिंग कराता है पायलट और कैसा साहस दिखाया है, यह बहुत ही अभूतपूर्व है। दोस्तों, इस फिल्म में अजय देवगन मुख्य किरदार में है और साथ ही साथ अजय देवगन इसके डायरेक्टर भी थे। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा ये तीनों फिल्में झुंड, दसवीं और रनवे 34 में कौन सी फिल्म हिट हुई। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आपको कि इनमें से दो फिल्म झुंड और रनवे 34 सिनेमा हॉल में रिलीज हुई थी, लेकिन दसवीं फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी आज जियो सिनेमा पर। दोस्तों, पहली फिल्म झुंड जो थी, वे अपना बजट भी नहीं निकाल पाई, मात्र 14.6 करोड़ के आसपास कमा पाई, अब एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। और दूसरा मैं बात करूँ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाले रनवे 34, ये फिल्म का बजट भी 70 से 80 करोड़ था, लेकिन ये 30 से 31 करोड़ में ही सिमट गई और ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। लेकिन दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ दसवीं का, तो एकमात्र दसवीं फिल्म ही 2022 में ऐसा है जो OTT प्लेटफॉर्म पर धमाल मचा दिया। ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर एक बिग हिट फिल्म है। दोस्तों, ये था 2022 में आई तीन इंस्पायरेशनल फिल्म की बातें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और इंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।